दुबई में गाना शूट करना, कच्चा बादाम वाली लड़की, अंजलि अरोड़ा की इमेज कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं। तो अंजलि अरोड़ा कौन है? रोमांटिक सॉन्ग बस आ गए यूं बस दैट्स इट। गाने करना अलाउ नहीं है मुझे, ड्रामे करना अलाउ नहीं है। वो कच्चा बादाम के साथ जाके मैं पक्का बादाम कर दूंगा। इसमें हमको एक्टर रख रहे हैं एसएन भाई को। सीरीज बाथरूम की क्यों जरूरत है वाला है, मेरा कौन अल्ट्रासाउंड करवाएगा? मैं यहां अकेली हूं, मेरे पेरेंट्स भी नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द 24th एपिसोड ऑफ प्रायलॉग। आई होप आपको प्रैंक्स और बाकी प्रायलॉग के जितने एपिसोड्स हैं वो अच्छे लग गए होंगे, ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। और ये है कि आप लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोग इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। और जो लोग ये कमेंट्स करते हैं कि यार ये स्क्रिप्टेड है, ये है, वो है, ये मुझे पता है या मदिया को पता है कि हम लोग मदिया के साथ क्या होता है या मैं कैसे प्रैंक कितनी मुश्किल से करता हूँ। और मज़े की बात यह है कि प्रैंक्स करना, बहुत सारे प्रैंक्स मैंने सोचे, मैंने थोड़े मज़े मज़े के भी, लेकिन मसला ये है कि मुझे मदिया की कंडीशन का बहुत ख्याल करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो आज मैं मदिया के साथ प्रैंक करने जा रहा हूँ 24th एपिसोड ऑफ प्रायलॉग में, वो ये है कि मैं मदिया को कहूँगा कि मुझे दुबई से एक ऑफ़र आई है, दुबई में गाना शूट करना है। अंजलि अरोड़ा का आपको पता होगा, कच्चा बादाम वाली लड़की जो आई गेस यही उसका नाम है, अंजलि, हाँ, उसके साथ गाना करने की मुझे ऑफ़र आई है, तो मैं दुबई जा रहा हूँ। ठीक है, मैं लास्ट टाइम जो जन्नत जुबैर के इवेंट में हमें जिसने बुलाया था, विद्दू मलिक जो है इंडिया से हैं, वो उनको कॉल भी करूँगा अभी आपके सामने, मदिया के फ़ोन से करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने मोबाइल से तो व्लॉग बना रहा हूँ, तो चुप करके भी मैं मोबाइल लेके आता हूँ, उनको कॉल करूँगा, उनको बता दूँगा और फिर सबूत के तौर पर रेडी रखूँगा कि इन्होंने मुझे बुलाया है, ताकि उसको यकीन हो जाए कि मैं प्रैंक प्रैंक नहीं कर रहा, उसको यकीन हो जाए कि ये वाकई ऐसा सीन है। सो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है इस चीज़ पे, क्या वो मुझे दुबई जाने देंगी, किसी और लड़की के साथ गाना करने देंगी, वो भी कच्चा बादाम वाली लड़की के साथ। सो लेट्स सी, अब जाते हैं मदिया के रूम में। मदिया इस टाइम वहाँ मज़े से मेकअप वेकअप कर रही हैं। मदिया आ जाओ, आपका फ़ोन कहाँ है? फ़ोन कहाँ है आपका? मुझसे पूछ के आएंगे क्यों? वैसे ही, हाय। हेलो, अच्छा व्लॉग है का ये, एक मिनट के लिए लिए। इसमें चार्जिंग नहीं है सर। है, थोड़ी सी है, मैं एक मिनट वीडियो बनानी है ना इसलिए। और ये हमने टीवी लॉन्च अभी बनाना शुरू किया है, ये उसका मीडिया पैनल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अब हम कॉल करेंगे विद्दू को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अहसन भाई क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? आप बिजी तो नहीं थी? अहसन भाई, हाँ जी, हाँ जी, बताओ। सो रही थी आप? हाँ जी। ओहो, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको तंग कर दिया, चलें कोई नहीं। नहीं, नहीं 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 नहीं, बताओ बताओ। असल में ना मैं यार, वो असल में सीन ऐसा है कि मैं आपको लाउड स्पीकर भी खोला हुआ है, व्लॉग प्रैंक बना रहा था मदिया के साथ, तो उसको आप थोड़ा सा इन्वॉल्व करना था आपको उसमें। कर लो। तो ऐसे इन्वॉल्व करना था कि मैंने मदिया को भी प्रैंक करना है कि मुझे अंजलि अरोरा नहीं, जो कच्चा बादाम वाली लड़की है, उसके साथ दुबई में गाना करना है और आपने मुझे गाने दिए, तो वो आपका जब नाम लूंगा तो डेफिनेटली वो आपको कॉल करेगी अभी। ठीक है, तो आपने ये कहना हाँ है, बस दो दिन में है, मैं टिकट भी भेज रही हूँ, सही है? ठीक है, बस सही है, डन है, सॉरी मैंने आपको तंग कर दिया। अरे नहीं, पर आप मदिहा के फोन से फोन कर रहे हो तो ये नहीं, सच नहीं। में प्रैंक है? हाँ हाँ, सच में प्रैंक है, सच में मेरे हाथ में है, उसको अभी मैं चुप करके गया, मैंने कहा वो जरा वीडियो बनानी, फोन देना, क्योंकि अपने फोन से तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है, सही है, चलें ठीक है, सही है। पर अंजलि अरोड़ा की इमेज कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, तो इसीलिए मैंने बोला है ना, देखने दो ना उसका रिएक्शन क्या आता है। चलो ठीक है, सही है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। सो ये तो मान गई है।
बेचारी सो रही थी, मुझे अब दुख हो रहा है कि बेचारी सो रही थी और मैंने उठा दी उनको। चलाएं अब चलते हैं मदिया की तरफ, लेकिन पहले मुझे देखना यह है कि मदिया को मुझे रूम से किसी तरह बाहर निकाल लें और कैमरा सेट करना है, कैमरे का एंगल दिखना है। लास्ट टाइम उनको पता लग गया भाई कि मैंने वो वाले पोर्शन में सेट किया था, अब इस दफ़ा मैं उसको कहीं और सेट करूँगा। चलाएं सो अब मैं यहाँ से उतारूँगा लगेज बैग्स ये वाले और फिर रखूँगा अपनी अलमारी के सामने, ताकि हम लोग अपनी उसको ऐसी लगे कि मैं बस जा रहा हूँ। सो गाइस मैंने मदिया को बहाने से बाहर भेज दिया और अब पूरा कमरा खाली है। अब मैंने ये बैग निकाल लिया वहाँ से, छोटा बैग निकाला है और ये है, यहाँ से मैं अपनी कबर्ड में से कपड़े निकालूंगा। बट सीन मेरे पास ये है, मदिया को पता है मैं फ़ोन यहाँ छुपाता हूँ, अब मुझे यहाँ कहीं छुपाना पड़ेगा फ़ोन, और वो एक ही ऑप्शन है, वो है बेबी कॉट के अंदर कहीं मैं रख दूँ जहाँ बिल्कुल नज़र ना आए। आए सेट करते हैं फ़ोन। सो गाइस मैंने कर लिया है रेडी कैमरा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मदीहा अंदर आना, एक मिनट। इधर आए, जैकेट का यार ब्लैक वाली मेरी, ये क्या कर रहे हैं? जैकेट क्या मेरी ब्लैक वाली? जैकेट कौन सी वाली? ब्लैक वाली, ब्लैक वाली जैकेट यार, ऐसा मुझे तो नहीं आ रही, इधर तो कोई नजर नहीं आ रही मुझे। वहां पे रखी होगी, क्या कर रही है, क्या कर रही है? आपको यार बताना भूल गया था, विदु नहीं विदु उसकी कॉल आई थी मुझे, तो मैं आपको आई नहीं, मुझे आई थी वो यार, वो एक गाने का कैसी दुबई में कैसी दो दिन तक है मुझे उसने उसके उसका पता है आपको इंडियन वो जो है अंजलि अरोड़ा। कौन अंजलि अरोड़ा? अंजलि का नहीं पता? अंजलि राव नहीं, अंजलि कच्चा बादाम अली। तो उसके बाद वो गाने का कह रही है मुझे, तो मैं वहां जा रहा हूँ दुबई परसों। अच्छा सच कह रहा हूँ? अच्छा क्या देख रही हो? मैं तो हिम्मत देख रही हूँ। ये समझ रही हूँ मैं कुछ मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ब्लैक जैकेट दो ना यार। अच्छा ये वाली शर्ट्स लेके जा रहे हैं? शायद जैकेट्स भी दो। वैसे अंजलि अरोड़ा कौन है? कच्चा बादाम अली वो नहीं होती वो लड़की? हाँ उसके साथ आप क्या करने जा रहे हैं? गाना विद्धु ने दिया यार, पैसे अच्छे मिल गए तो? और टी सीरीज आएगा, और क्या चाहिए मुझे? विद्धु ने दिया है। लक्ष्मी कॉल विद्धु, हाँ कर लो। ओ आपको लगा मुझे मुझ पे यकीन नहीं है आपको? तो विद्धु ने दिया है और आप गाना करने दुबई जा रहे हैं परसों? अच्छा आप दुबई जा रहे हैं? हाँ कहाँ जा रहे हैं? दुबई। दुबई कॉल कर लो। किसके साथ जा रहे हैं? अकेला। अकेले अकेला जा रहा हूँ तो इसमें क्या हो गया? काम के लिए जा रहा हूँ ना, मुझे काली जैकेट निकाल दे, काली जैकेट निकाल ले। क्या हुआ मेरे बीबी को? कौवा लड़कियों के साथ गाना करने जा रहा है। बेबी 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 काम सीरियस कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा ना, एकदम मैं अंदर आई हूँ तो मुझे मैं बताना भूल गया था, मैं असल में भी बैग इसलिए पैक कर रहा हूँ कि वो कह रही थी कौन सा गाना कर रहा है, पता नहीं टी सीरीज है कोई रोमांटिक सॉन्ग। यार मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा मतलब मैंने उसे ये बात कही है कि भाई टच वाला सीन कोई नहीं है, ठीक है, मतलब अब बंदा होता है ना कि तब पास आके जो बस दैट्स इट, मौत को छू के टक से वापस आ सकता, टच वाला सीन नहीं है कोई। मेरी उससे स्टोरी लाइन पे बात हुई है, प्रॉपर बात हुई है, बेवफाई वाला रोमांटिक गाना है, दो लड़कियां बेसिकली, कच्चा बादाम अली को मैं वो दूंगा धोखा, और साथ एक और कोई लड़की होगी जो सिंगर होगी शायद वो है। अच्छा आपको मेरे पे यकीन नहीं आ रहा?
आपको किस, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको किस चीज पे हो रहा है, कि क्या मुझे गाना नहीं मिल सकता है या फिर नहीं, आप गाना मिल सकता है लेकिन आप मुझे इन्फॉर्म तो करें, मुझे बताएं तो यार बस मुझे कटिंग करवानी है, बियर्ड करवानी जाने वाले को, दुबई जाना है मैंने। सही है, जाने वाले को रोकते नहीं है, चले जाए, मेरी विद्दू से जरा बात करवा दें, कर ले आप। मुझे गाने करना अलाउ नहीं है, मुझे ड्रामे करना अलाउ नहीं है, मैं किसी ड्रामे में नहीं जा सकती। मेरे आपने ड्रामे छुटवाए, मेरी आपने मूवी छुटवाई, वो तो आपने भी मेरी कितनी छुटवाई। आपने कॉल आई थी, हाँ आई थी, आपने छुटवाई थी, मैंने आपको कहा लंदन वाली ना, लंदन वाली, मैंने आपको क्या कहा था, कहते चली जाओ, नहीं चली जाओ लेकिन मैं साथ जाऊंगा। हाँ तो वो लंदन, मुझे कोई मसला नहीं, दुबई है, मुझे कोई मसला नहीं है, आप मूवी करें, ड्रामा करें, मैं आपको कामयाब देखना चाहती हूँ, मुझे बस बता देते ना, एकदम मुझे बता देना। और अभी मेरी तो मेरा आपको पता है कि टाइम बहुत करीब है और आप एकदम दो दिन के लिए जा रहे हो यार, दो दिन में आ जाऊंगा, और दो दिन में पीछे जो है मेरी तबीयत खराब होगी, मुझे यहाँ देखने वाला कौन है, मैं आ जाऊंगा, मेरा तो लाहौर में कोई नहीं है ना मुझे देखने वाला, ना यहाँ पे मेरी फैमिली है, ना यहाँ पे मेरे पैर, चेक करेंगे मुझ पे, आपको लगता है वो कच्चा बादाम के साथ जाके मैं पक्का बादाम कर दूंगा, बड़ा हरामी हो बेटा, बड़ा खुश है, चले जाए, मना नहीं करूंगी, विद्दू से जरा बात करवा दे, पकड़े हैं, मैं कभी भी नहीं रोकूंगी आपको किसी चीज से, मेरा फोन दे, जाए जा है, पकड़े हम कॉल कर ले, मैं क्या उससे कॉल करके बोलूंगी, वो बोलेगी कि ये पूछ लो ना, शक कर रही है अपने हस्बैंड पे, एक काम करो लाउड स्पीकर पे, नहीं मुझे वैसे शक की कोई बात नहीं है, आपको ये यकीन नहीं है ना, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई प्रैंक कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, कोई हरकत कर रहा हूँ, नहीं मुझे मजाक, सामने फोन रखा होता है, देख लो कहाँ है फोन मेरा, फोन कहाँ है आपका, मेरा चार्जिंग पे लगा के आया हूँ, करें कॉल, करें जल्दी, करें कॉल करें आप, आपको यकीन नहीं हो रहा ना मुझ पे, नहीं मैं बोलूंगी अपने पास ही रखना, ऐसा को लाउड स्पीकर पे लगाना ताकि मैं भी तो सुनूं क्या क्या लिए, नहीं हो सकता है, नहीं नहीं लाउड स्पीकर पे लगाया, हेलो अस्सलाम वालेकुम विद्दू, कैसी हो, वालेकुम सलाम मदीहा जाने, कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हो, मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया, यार विद्दू एक बात पूछनी थी आपसे, पूछो पूछो, यार कौन से प्रोजेक्ट के लिए लाइक एहसन को इनवाइट किया है, उन्होंने बताया नहीं आपको, नहीं वो अभी बता रहे हैं कि कोई जो है ना शायद कोई पता नहीं कच्चा बादाम, मुझे लड़की का नाम तो सही से पता नहीं है, हाँ हाँ उनका नाम अंजलि अरोड़ा है, तो हमारे साथ पहले भी वो सॉन्ग्स कर चुके हैं, तो अभी हम लोग ऐसे दो सॉन्ग्स और दुबई में शूट कर रहे हैं, तो उनमें से एक हम उनके साथ दोबारा कर रहे हैं, जिसमें हम को एक्टर रख रहे हैं एहसन भाई को, अच्छा अच्छा, ऐसा अभी तक हमने प्लान किया है, तो सारा मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ प्लान है, तो प्रोबेबली इसी वीक में मैं टिकट्स वगैरह भेज दूंगी, तो फिर शूट है, अच्छा अच्छा सही है सही है, ठीक है चलो, बस लोकेशंस वगैरह ही फाइनल कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, इनको मेरे पे ना विद्दू, इनको मेरे पे शक है कि शायद मैं झूठ बोल के कहीं आशी करने जा रहा हूँ, नहीं 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 मुझे अलाउ नहीं है ना ट्रैवल करना, तो वो है ना उनको, आप उनको जानती है ना, उनपे तो यकीन है, लास्ट टाइम भी जब मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए कॉल किया था तो मैंने पहले एहसन भाई को किया था क्योंकि आपने उठाया नहीं था, आपको मतलब एहसन भाई को कॉल कर दिया कि आपको पता चल ही जाएगा, सही है सही है, चलो ठीक है, बस मैंने कहा मैं पूछ लूं, हो सकता है मेरे साथ मजाक कर रहे हो, नहीं 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 ये बात है, आपने मुझे बीच में कॉल करके कहा था ना कुछ हो तो बता देना, सही है सही है, मेरा नहीं एहसन का ही हो तो बता देना, हां एहसन का ही, मैंने खुद ही कहा था इस चीज का कि एहसन का ही हो तो एहसन का भी मुझे मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा, मुझे बता दिएगा, आप एक ही यूनिट हो इसलिए मैंने सीधे एहसन भाई को बोल दिया, हाँ हाँ सही है, चलो ठीक है, और सब ठीक था, सब बहुत बढ़िया, आप बताओ तबीयत कैसी है, बस अब ये ठीक ठाक है, बेहतर है अब, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, एहसन की फ्रेंड, ओके ओके ओके, बाय, ये सही लगेगी, आप देख लें सॉन्ग में, सॉन्ग के लिए वो उसने वार्डरोब नहीं डिसाइड किया आपका, नहीं किसने, अंजलि ने, हाँ अंजलि ने,
ऐसे करूं क्या होगा बताओ। अंजलि मैं उसको देखना चाहती हूं, शेप बनवानी है। आ सर्च कर ले उसकी, वो वीडियो नहीं देखी? अब मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। एक बात बताएं, क्या मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो एम आई अलाउड टू डू, या मेरी ब्लैक जैकेट ढूंढूं, एम आई अलाउड टू, और परफ्यूम मुझे अच्छा, ऑल दोस प्रोजेक्ट परफ्यूम की, परफ्यूम अच्छे वाला होना चाहिए। तो मुझे मेरी अम्मी के घर ही जाने देते, मुझे मेरी अम्मी के घर ही जाने देते, तो चली जाए। अब मैं आपको, आप चली जाए ना, टिकट करवा देता हूँ ना मैं, जब वो मुझे टिकट भेजती है ना विद्यू, भेज दिन की है तो मैं आपको फिर भेज दूंगा। क्या हुआ, कौन सी टिकट है? मैं कह रहा हूँ जब वो भेज देगी ना, एक परसों की है या कल की है, कल सुबह हो सकता है, आज रात को भी भेजते सुबह की हो। लास्ट टाइम भी उसने ऐसे ही किया था ना, रात के 1 बजे भेजी थी टिकट सुबह की, सुबह 9 बजे फ्लाइट है, तो कर लेंगे। तो मैं आपको उस वक्त करवा दूंगा कराची की, इकट्ठी निकल जाएंगे वहां से, मैं कराची निकल, दुबई निकल जाऊंगा, आप कराची चली जाना। अच्छा सही है, मैं फिर कहाँ जा रही हो? गुड, क्या यार मुझे कपड़े से तय कर दो, तय कर लेना, कर दो ना यार, क्या हो गया? ठीक है तय कर दो यार, मैं तय कर देती हूँ आपके कपड़े। परफ्यूम जरा ख्याल से रखना, मुझे लग रहा है बैग छोटा पड़ा है, लगेज बैग ले जाता हूँ। क्यों, 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं आप इस कंडीशन में? तो यार अगर क्या कंडीशन हो, काम ना करूं मैं? नहीं करें, स्टूल लाके दे दें मुझे, वहीं जाके बैठ दे, यहाँ चले। हाँ मुझे कपड़े तय करके, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं आप इधर आए, मैं आपको, आपकी अलमारी यहाँ पर है, आपको जो कपड़े चाहिए मुझे बता दें, ये वाली सारी शर्ट लेके जानी है, ये लें तय करें। ब्लैक जैकेट बताने और रेड जैकेट भी बताने, क्या हो गया है यार? मैं काम से जा रहा हूँ भाई, मैंने आपको मना थोड़ी किया है, इन्फॉर्म पहले, आपको विदु पे यकीन नहीं है, लास्ट टाइम देखा था ना कि किस तरह रहती है, बस तो क्या हो गया? अगर थोड़ा सा जाके मैं भी कच्चा बादाम कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? बड़ी पसंद है कच्चा बादाम खरीदा रहे, वो किसको पसंद नहीं है, मतलब उसकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, बंदा कोलैबोरेट करता है, 2-4 रील्स बनाऊंगा, खुद सोचो मेरा अकाउंट कितना अच्छा जाएगा, गाने में अमर, टी सीरीज कितना बड़ा ब्रांड है। मैंने आपको कभी भी किसी चीज से नहीं, मैंने उससे मना कर दिया, उसने मुझे बताया है, आप बेशक पूछ भी लो, दोबारा कॉल करके पूछो कि रोमांटिक सॉन्ग किस हद तक, मैंने आपको कभी किसी चीज से मना नहीं किया, कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से रुके, लेकिन मेरा मतलब 3 लाख रुपया दे रही है वो इस चीज का, और प्लस 3 लाख रुपए दे या वो 10 करोड़ रुपए दे, मेरे लिए तो कोई मायने नहीं रखते ना, क्यों ऐसा तय करो यार, मेरी डिलीवरी इतनी करीब है, ऐसा अभी टाइम है, मेरा वीक्स कंप्लीट होने वाले हैं, बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, चले जाए, बस बता पहले इसमें रखे, बहुत क्यों रख रही है आप, मेरा बैग सही से पैक करे ना आप, मुझे ना पहले, इतनी सारी शर्ट्स क्यों लेके जा रहे हैं आप यार, अगर ज्यादा आप 3 से 4 शर्ट्स लेके जाएं, वार्डरोब उनका होता है, सब कुछ उनका होता है, बाथरोब भी दें, बाथरोब का क्या करना है ऐसा ना, आपको दुबई में किस बाथरोब की क्यों जरूरत है, वहाँ वॉशरूम में बाथरोब ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, मुझसे पूछ लें क्योंकि पिछली दफा हम गए थे तो हमने बाथरोब यूज किए थे, ये वाला टॉवल क्यों ले रहे हैं, ये वापस रखें, रेड ले रहा हूं तो क्या वैलेंटाइन डे मनाने जा रहा हूं, फजूल बात नहीं करें आप, अजीब बात कर, शर्ट भी उसने गंदी धोई हुई है, इस बैग में इतनी चीजें नहीं आएंगी, अपने शूज कहाँ रखेंगे आप, उसके लिए लेदर बैग रखूंगा, हाँ लेदर बैग रखे हैं, और बीवी भी अलहदा रख लें कोई, क्या हो गया, ये रखे टॉवल यहाँ रखने के जा रहे हैं, ओवर एक्ट करने की क्या जरूरत है, ओवर एक्टिंग नहीं कर रही आप, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं, अगर मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर लूं, मैं आपसे पूछे बगैर यहाँ से हिलती नहीं हूँ, तो कभी गई हूँ आपसे पूछे बगैर, इस घर से भी कदम बाहर निकाला मैंने, क्या करूं मैं, नहीं नहीं जाऊं, आप जाएं, लेकिन मुझसे, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में मशवरे भी नहीं कर सकते हम, आपने तो मुझे बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है यार, काम मिला मुझे ना, आप कुछ भी नहीं कहोगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट्स फैमिली यहाँ पे नहीं है, मेरी अकेली हूँ मैं यहाँ पे, नहीं जाता यार मैं, मना कर देता हूँ, नहीं जाना, नहीं मेरी वजह से कोई चीज कैंसिल हो मैं नहीं चाहती, स्पेशल मैंने न्यू जीन्स ली थी किसी अच्छी जगह पहनूंगा, मैंने सोचा था उसे अंजलि से मिलूंगा तो ये पहनूंगा, बंदा अच्छे रेप्यूट होती है, बंदे की एक रेप्यूट होती है, अंजलि, व्हाट इज अंजलि, अंजलि है कौन, मुझे तो यही
समझ नहीं आ रहा, अंजलि 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 करके दिखाऊं वो कौन है? हाँ मुझे पता है कोई फेमस गाना था, लेकिन इतनी भी कोई फेमस नहीं है, मैं तो नहीं जानती बस उसको। इतने बहुत है, पैक करें जल्दी से। इतने सारे कपड़े रख दिए आपने तो क्या हो गया? मैं कुछ बोलूंगी नहीं। व्हाइट शर्ट, कॉलर वाली व्हाइट शर्ट का क्या करना है आपने? कुछ टी शर्ट रख लेते। ओए यार इसमें हॉट लगता हूँ मैं, ये थोड़ा सा बटन खोल के शॉर्ट्स रख लूँ? दुबई जा रहा हूँ ना यार, बीच जाना पड़ जाता है, और स्पेशली अगर अंजलि के साथ गया तो वो वाली वीडियो बनाऊंगा मुझे याद आ गया। उसकी पिंक ड्रेस में वायरल हुई थी ना, पिंक शर्ट पहन मेरी, ये पिंक शर्ट पहन के ना, सेम ऐसी वैसे ही पिंक शर्ट पहन के ना मुझे गाने से ज्यादा एक्साइटमेंट ना सिर्फ वो रील बनाने की है। ये लो यार, आप मुझे खुशी नहीं देख सकती? मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। आप मुझे खुश नहीं देख सकती? क्या हो गया, कुछ बोलो तो सही। मैं आपको बहुत खुश देखना चाहती हूँ तो बोलो तो सही कुछ। तो फिर रिलेशनशिप में बराबरी रखा करें। क्या क्या बराबरी? क्या बराबरी ये रखा करें कि जो चीज मुझे अलाउ नहीं है वो किसने कहा आपको अलाउ नहीं है? आपने ही मुझे कहा था शादी से पहले कि नहीं अभी नहीं कर सकते हम कोई चीज। कहा था मेरे साथ कर लेना, तो अब मुझे मिल गया तो क्या हो गया? क्या तो आप चले जाएं, लेकिन मुझे बता तो देते। मैं अपनी अम्मी के पास ही चली जाती, मुझे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे जाना है, अभी रिसेंट मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला है, मेरा कौन अल्ट्रासाउंड करवाएगा? मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है अभी यहाँ पे, आप मुझे हर जगह लेकर जाते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी एक इतनी सारी पैकिंग करके जा रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है की मेरी? एक और से बात सुनो, गौर से बात सुनो, रिलैक्स होके। रिलैक्स होके गौर से शादी के बाद इंसान बदल जाता है। गौर से बात सुनो, रिलैक्स होके। अगर आप चाहती हो कि मैं ना जाऊं? नहीं मैं चाहती हूं आप जाएं, खुश रहें। ये मैं खुश हूं। देखो मेरी बात ये सुनो, पिंक ड्रेस बल्कि तो उसने पिंकी पहना था, तो भाई न्यू आउटफिट्स लेके जाएंगे। पुराने आउटफिट्स क्यों लेके जा रहे हैं? मैं बताती हूँ ना, लड़कियों को ही पुराने आउटफिट्स पसंद नहीं आते। तो और मैं वहां जाके शॉपिंग कर लूंगा, फिर पैसे तो शॉपिंग कर ले। हाँ शॉपिंग करें, इन ये शर्ट्स लेके जाने की जरूरत है कॉलर वाली, बल्कि आपको तो न्यू वार्डरोब मिलेगा वहाँ पे, अच्छा अच्छा सब कुछ मिलेगा। इतने सारे कपड़े लेके जा रहे हैं। उसने कहा है कि आप एक दिन विद्दू, मैं और अंजलि जो है हम तीनों जाएंगे, और वो और मैं सेम मैचिंग के कपड़े लेंगे। ले एक दिन शॉपिंग, मतलब जाती मेरा खाली शॉपिंग होगी, फिर उसके बाद कहती डिनर विनर कर लेना आप दोनों कहीं। और बुर्ज खलीफा पे भी उसने सीन रखा हुआ एक जबरदस्त। अच्छा परेशान क्यों हो रही हूँ मुझे बताओ? मैं परेशान हो रही हूँ आप इतने सारे कपड़े कैसे लेके जा रहे? आपको इस चीज पे परेशानी की मैं कपड़े ज्यादा लेके जा रहा हूँ कि मैं दुबई में रह ना जाऊँ? ये परेशानी हो रही है। टिकट और वीजा आएगा ना, आपको पता लग जाएगा टिकट रिटर्न कितने दिन होगी। क्या होगा दादा, 5-7 दिन होंगे, 8 दिन होंगे? तो 8 दिन नहीं रहिएगा, डिलीवरी हो भी जाए ना कुछ, ओ यार, कुछ भी हो जाए ना, आप नहीं आइएगा। अच्छा इतना टाइम पड़ा हुआ, 8 दिन में हो जाएगी? आपको पता है लास्ट टाइम चल रहा है मेरा। बात सुनो, परेशान परेशान मत हो, ठीक है? आप ना एक दफा अपने लेफ्ट देखो, इधर देखो, अब अपने राइट देखो, कुछ नजर आ रहा है? क्या कुछ नहीं, कैमरा ढूंढ के दिखा दो। आपको लगता है कि मैं वो कच्चा बदाम, कच्चा मैं यहाँ खड़ा होकर कच्चा बदाम कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं सीरियस लगा हूँ? ये कैमरा ढूंढ के आज कैमरा ढूंढ के दिखा दो। आप सब कुछ कर सकते हैं, आज कैमरा ढूंढ के दिखा दो। मुझे पता था मुझे पकड़ लोगी, कैमरा ढूंढ के दिखा दो। आज की और ये साथ ही खुश हो गई हो हैं? मैंने दुबई का प्लान किया तो आपके साथ किया, गाना करूंगा तो मैं आपके साथ ही करूंगा, और अगर मुझे अकेले भी करना होगा तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। तो बंदा बताए तो ये है कि आपको ज्यादा पका नहीं सकता मैं प्लान के दौरान, क्योंकि आपकी तबीयत कंडीशन खराब है। आप बता दे मुझे, कोई मसला नहीं, आप एकदम बैड पैकेज है। कैमरा चेक बताएंगे सिर्फ, मुझे नजर नहीं आ रहा।
विद्धु को कॉल करके मैंने बता दिया था पहले विद्धु को कॉल करके मैंने बता दिया था कुछ कहना चाहेंगी विद्धु को, वो इसमें शामिल है। बिल्कुल ही साइलेंट हो गई हैं यार आप। अब मेरे कपड़े वापस रखें। ये मेरे पास ना ये इतनी एनर्जी नहीं है कि आपने ये सारे कपड़े अगर बिखेरे तो मैं समेटूंगी। सीरियस हो गई। अच्छा एक दफा बता दें कि अगर रियल में ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो कच्चा पता नहीं कर सकता। हाँ कर सकते हैं बता के। अच्छा इन्फॉर्म करके। सो कार्तिक आर्यन या कोई भी अवेश दरबार फेमस कोई है इन्फ्लुएंसर मुझे भी मिलेगा उसके साथ प्रोजेक्ट मैं तो करूंगी और आपको बताऊंगी नहीं ऐसे बैग पैक करके जाऊंगी बैग पैक करूंगी। उम्मीद है आपको ब्लॉग खत्म करना है प्रायलॉग एंड करना है। उम्मीद है आपको सॉरी उम्मीद है आपको ये प्रायलॉग का एपिसोड नंबर 24 पसंद आया होगा। अब मुझे ना सफाई करनी है तो हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। करें साफ करें जी मुझे पता है मुझे करना पड़ेगा। बेतरतीब से अब नहीं रखिएगा चीजें। तरतीब से रखना अच्छे तरीके से रखना। नहीं करे ना नहीं। उस लड़की के बारे में आपको पता है वैसे कौन है? नहीं डांस देखा कर। आपको क्यों इतना पता है? आपको क्या लगता है मैंने उसकी वीडियो बहुत गौर से देखी है। देखी होगी देखी होगी। बाथरूम लेके जाऊंगा वो भी रेड कलर का। मैंने सोचा था गंदे मुझे लग रहा मेरी जबान कुछ ज्यादा चल रही है और मेरी भी चल जाएगी मेरी भी चलने लग जाएगी जबान। ये आप मुझे पता सिखा रहे हैं चीजें। अच्छा, और बहुत सारी चीजें तो आपने मुझे सिखा दी हैं। अच्छा, ये भी सीख चुकी हूँ मैं सब सीख रही हूँ मैं सब सीख रही हूँ।